गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, होप आप सभी स्वस्थ है, तंदुरुस्त है। आज हम बात करेंगे रक्त करबी और ओलियंडर प्लांट के बारे में। ओलियंडर प्लांट को आप लोग कटिंग से भी ग्रो कर सकते हैं। इस कटिंग से ग्रो करने के लिए मैं लाया हूँ एक डाली, दो डाली। इससे हम दिखाएंगे कैसे कटिंग किया जा सकता है। तो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल गार्डन नीट। आप सभी का मेरे चैनल गार्डन नीट में स्वागत है। कटिंग से ग्रो करने के लिए पहले तो हमें इस डाली को शार्पली कट करना पड़ेगा एक ब्लेड से, वो भी लगभग 45 डिग्री एंगल में। आप लोगों का बहुत सारा प्यार मुझे मिल रहा है दोस्तों, जो मुझे वीडियो बनाने में इंस्पायर करता है और मैं ये वीडियो बनाता रहता हूँ। दोस्तों, ये डाली थोड़ा बड़ा है, इससे हम कोशिश करेंगे दो चार ज़्यादा प्लांट उगाने का। तो मैंने इसीलिए इसको छोटा छोटा कटिंग कर रहा हूँ, इससे तीन हो जाएगा मेरे ख्याल से। ओलियंडर और करबी बहुत ही खूबसूरत सा फ्लावर होता है दोस्तों। मेरे दिखाए हुए प्रोसेस से आप लोग बहुत ही इजीली अपने गार्डन में ये प्लांट लगा सकते हैं। अर्ली समर से मिड ऑटम तक इसका फ्लावर्स आता है। ओलियंडर का चार वैरायटी होता है, ये रेड, पिंक, येलो एंड वाइट में मिल जाता है दोस्तों। फिलहाल मेरा कटिंग हो गया, अभी हम लोग रूट हार्मोन में इसे लगा के हम लोग इधर इसे प्लांट करेंगे। देखिए, मैं रूट हार्मोन लगा रहा हूँ और उसके बाद उंगली से ऐसे एक होल करके मैं इसे लगा के दबा दूंगा। आप लोग इसी प्रोसेस अप्लाई कीजिए और आगे देखते हैं क्या होता है। दोस्तों, 25 दिन बाद देखिए, मेरा दो प्लांट ख़राब हो चुका है, लेकिन दो और बहुत ही स्वस्थ और तंदुरुस्त है। हम लोग अभी देखेंगे इसमें कैसा रूटिंग हुआ है। दोस्तों, एक बात ध्यान में रखिएगा, आप लोग जब भी इसका कटिंग लगाते हैं उसके बाद 25 दिन और एक महीने के लिए इसे छांव में रखिए, डायरेक्ट सनलाइट में मत रखिए। दोस्तों, आप लोग देख ही सकते हैं रूट निकल के आया है। और एक बात दोस्तों, ये जो प्लांट है इसे बहुत ही ज़्यादा खाद देना पड़ता है। इसे आप लोग ज़रूर खाद, मतलब 4-5 हफ्तों में एक बार तो इसे खाद दीजिए ही दीजिए। और खाद देने के लिए आप लोग भार्मी कंपोस्ट और 10:10:10 आप लोग यूज़ कर सकते हैं। ये प्लांट एक बहुत ही सुंदर लैंडस्केपिंग और ऑर्नामेंटल प्लांट है दोस्तों। देखिए, ये जो प्लांट मेरे हाथ में हुआ है, इसमें थोड़ा बहुत रूटिंग हुआ है, ये सर्वाइव करेगा, लेकिन बाकी दो सर्वाइव नहीं करेगा। ये ऑलरेडी मर चुका है, ये तो ख़राब हो चुका है ऑलरेडी, लेकिन जो लास्ट वाला है आपको मैं दिखाऊंगा, उसमें बहुत ही अच्छा रूटिंग हुआ है दोस्तों। ये ख़राब हो चुका है टोटली, लेकिन वो लास्ट वाला जो है अभी मैं दिखाऊंगा आपको। देखिए, इसमें कितना सारा रूटिंग हुआ है, बहुत ही अच्छी तरीके से हुआ है, एकदम टाइट हो चुका है दोस्तों। ये प्लांट बहुत ही हार्डी होता है। एक्चुअली ओलियंडर ख़राब हालात में भी सर्वाइव कर लेता है। अगर आप लोग मिट्टी में ये प्लांट लगाते हैं तो याद रखिएगा, दो प्लांट के बीच मिनिमम 4 फुट का गैप आपको रखना है दोस्तों। और अगर पॉट में लगाते हैं तो बड़ा पॉट चूज़ कीजिएगा। मिट्टी में लगाने के बाद पहले साल इसे हर रोज़ पानी दीजिए, और उसके बाद ये उतना पानी आपको देना नहीं पड़ेगा, ये अपने आप ही सर्वाइव कर जाएगा। लेकिन अगर आप पॉट में लगाते हैं तो हर रोज़ इसे पानी दीजिए। दोस्तों, फ़िलहाल मेरे पास कोई बड़ा पॉट अवेलेबल नहीं है, इसलिए मैं एक छोटा पॉट में ही इसे रख के सर्वाइव करवा लूँगा, और बाद में मैं इसे बड़ा पॉट में ट्रांसप्लांट करूँगा। इसका सॉयल मैंने प्रिपेयर किया है, 40% भार्मी कंपोस्ट एंड 60% गार्डनिंग सॉयल से। दोस्तों, मेरा ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए
और बेल आइकन को दबा दीजिए दोस्तों, और वीडियोस ऑल वीडियोस के लिए दबाइए ताकि मेरा सभी वीडियो आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। और जो लोग मेरे चैनल को ऑलरेडी सब्सक्राइब किए हुए हैं उनको मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर सब्सक्राइबिंग माय चैनल। और दोस्तों मेरे वीडियो को अपने दोस्तों के बीच ज़रूर शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी पता चले कि ओलियंडर प्लांट और कोरेबी प्लांट कैसे ग्रो किया जा सकता है आसानी से। फिलहाल एक प्लांट का पॉटिंग हो चुका है, अभी दूसरे प्लांट का बाड़ी है। प्लांटेशन हो जाने के बाद हम लोग इस प्लांट को डायरेक्ट सनलाइट में रख देंगे। एक ज़रूरी बात दोस्तों, ओलियंडर थोड़ा बहुत टॉक्सिक होता है एनिमल्स के लिए, लेकिन इंसानों पर इसका ज़्यादातर असर नहीं होता है। हर्बीवोरस एनिमल्स अगर इससे ज़्यादा अमाउंट में खा लेता है तभी इसका असर देखा जा सकता है दोस्तों। इस प्लांट को ज़्यादा खाने से गाय भैंस का पेट खराब, डायरिया, वॉमिटिंग, ये सब सिम्टम दिखा जा सकता है। दोस्तों मेरे ये वीडियो पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप लोग स्वस्थ रहिए, तंदुरुस्त रहिए और खुश रहिए। देखते रहिए गार्डन नीट का हर एक वीडियो। आप सभी को बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।